हेलो गाइस, आज हम सहजन के फूल से बने पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। हमने सारे फूलों को तोड़कर डंडियों से अलग कर लिए हैं। अब एक बाउल में पानी लेंगे, उसे फूल को डालकर अच्छे से धो लेंगे। इन फूलों को दो पानी से धोएंगे। हमने सारे फूल को अच्छे से धो लिए हैं, देखिए कितने फ्रेश हो गए हैं। अब एक बाउल लेंगे, उसमें 3 चम्मच बेसन डालेंगे और 2 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर। ये ऑप्शनल है, ये ज़रूर डालिएगा, और स्वाद के अनुसार नमक। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा बेटर तैयार कर लेंगे। इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए एक गाढ़ा बेटर तैयार कर लेंगे। इस बैटर को पतला मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे सहजन के फूल में भी पानी है। देखिए मेरा बैटर रेडी हो गया है। अब इसमें 2 चम्मच चावल के आटे डालेंगे। आप इसके जगह कॉर्नफ्लोर का भी यूज कर सकते हैं, इससे पकौड़े कुरकुरे बनते हैं। अब इसमें सहजन के फूल को मिक्स करेंगे और थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती डालेंगे और इन सभी को अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसको ज़्यादा दबाना नहीं है, नहीं तो मेरे फूल टूट जाएंगे। देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिए हैं, इसको ज़्यादा पतला नहीं किए हैं, इसको इतना ही मोटा रखना है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। हमने पहले से ही एक पैन में तेल को गरम कर लिए हैं। अब इसमें पकौड़े के पीसेस को डालेंगे। अपने हिसाब से बड़ा या छोटा साइज रख सकते हैं। छोटा साइज रखने से पकौड़े अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं। सहजन के फूल का अनेक फायदे हैं, इनको ठंडों के मौसम में ज़रूर खाना चाहिए, ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। हमने सारे पकौड़े डाल दिए हैं, हल्का हिला डुला कर लेंगे और इसको उलट पुलट करके पका लेंगे। अब गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे ताकि मेरे पकौड़े क्रंची और क्रिस्पी बने। इसको उलट पुलट करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये पकौड़े खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं। देखिए मेरे पकौड़े का कलर गोल्डन हो गया है। अब इसमें हम 4-5 हरी मिर्च डाल देंगे ताकि जिनको ज़्यादा तीखा पसंद है वो इन मिर्च के साथ खा सकते हैं। बच्चों को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, वो ऐसे खा सकते हैं। हमारे पकौड़े अच्छे से तल गए हैं, अब सारे पकौड़े को हम निकाल लेंगे। देखिए मेरे पकौड़े का कलर कितना सुनहरा आया है, अब क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। चलिए इसका आवाज़ सुनाते हैं, देखिए इसका आवाज़ है ना, कुरकुरे। तो चलिए सर्व कर लेते हैं।
गाइस, मेरी वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।